कैसा था फल बनाने के लिए हम आपको बताएंगे। थाल परोस बनाने के लिए सबसे पहले आप चैन लें इस तरह से, ये देखिए हमने 15 चैन ले लिए। अब चैन में डाल के इस तरह से बांध लें। देखिए आपका इस तरह से तैयार हो जाएगा। अब इसे इसमें डाल डाल के आप एक एक क्रोशिया बनाते जाएं। ये देखिए आपका बन गया। मैंने 24 क्रोशिया ले लिए हैं। अब यहाँ पर आप इस तरह से बांध दें। ये देखिए आपको इस तरह से तैयारी हो जाएगा। अब आप दो चैन ले लें और एक क्रोशिया के बाद दूसरे क्रोशिया में दो क्रोशिया ले लें। फिर आप दो चैन ले लें, फिर एक क्रोशिया छोड़ के फिर दूसरे क्रोशिया में आप फिर दो क्रोशिया लें। इस तरह से फिर आप दो चैन ले लें, फिर एक क्रोशिया के बाद दूसरे क्रोशिया में दो क्रोशिया लें। इस तरह से आप पूरा लाइन बना लें। अब हम तीसरा लाइन बनाने के लिए फिर आप दो चैन लेंगे, उसके बाद जो दो क्रोशिया लिए हैं वही दो क्रोशिया के बीच में हमें चार क्रोशिया लेनी है। हर एक लाइन में हमें दो दो क्रोशिया बढ़ानी है। इस दो क्रोशिया में हमें चार क्रोशिया लेनी है। क्रोशिया आप लंबा लंबा लें ताकि आपका डिजाइन जो बने बहुत अच्छा लगे दिखने में। ये देखिए हमने चार क्रोशिया लिए हैं। उसके बाद फिर आप दो चैन ले लें। हर बार आपको दो चैन लेनी है, फिर दो क्रोशिया में हमें चार क्रोशिया लेनी है। इस तरह से आप पूरा लाइन कंप्लीट कर लें। ये देखिए हमने फिर चार क्रोशिया लिए हैं, फिर हम दो चैन लेंगे, फिर हम तीसरे दो क्रोशिया में फिर हम चार क्रोशिया लेंगे। इस तरह से बनाते जाए। ये देखिए हमने दो क्रोशिया में चार क्रोशिया लिए हैं। अब चार क्रोशिया में छः क्रोशिया लें, फिर छः क्रोशिया में आठ क्रोशिया। इसी तरह से आप बनाते जाएँ। हर एक क्रोशिया में आपको दो दो क्रोशिया बढ़ानी है। ये लाइन कंप्लीट कर लिया। अब दूसरा ऊन लगाए हुए हैं। इसके लिए आप सबसे पहले दो चैन लें। हमने हर एक लाइन में दो दो चैन लिए हैं, दो चैन लिए हैं। इसके बाद में ये जो छह क्रोशिया बनाया है उसके बीच में आपको क्रोशिया बनानी है। तीन तीन क्रोशिया के बीच में लेनी है। आप लंबा लंबा क्रोशिया ले सकते हैं ताकि आपको अच्छा लगेगा, फूल आपका लंबा लंबा बनेगा। ये देखिए इसमें हम छः क्रोशिया लिए हैं, इस बार हम आठ क्रोशिया लेंगे। आपको इसी तरह से हर एक लाइन में दो दो क्रोशिया बढ़ानी है। लंबा लंबा क्रोशिया लें आप। आठ क्रोशिया लिए हैं। आप फिर दो चैन लें इस तरह से,
तो चैन लिया, फिर जो छह कुर्सियाँ हैं उसके बीच बीच में फिर आपको 8 कुर्सियाँ बनानी है। इस तरह से आप पूरा लाइन कंप्लीट कर लें। हमने पहले ही बोले थे आपको कि हर एक कुरुसिया में दो दो कुरुसिया करके बढ़ानी है। ये देखिए हमने इतना बना लिए हैं इस तरह बढ़ा बढ़ा के। अब आपको ये फिर दूसरा कलर में जो है 3 लाइन जाएगा। ये देखिए हमने 10 कुरुसिया तक बनाए हैं। 10 कुरुसिया के फिर बीच में 5-5 कुरुसिया के बीच में फिर आपको 12 कुरुसिया लेनी है। हमने 3 लाइन दूसरे रंग के बनाए हैं। ये 10 क्रोशिया है तो अब इसमें हम 12 क्रोशिया लेंगे इस तरह से। फिर आप दो चैन ले लें। फिर ये देखिए 10 क्रोशिया जो लिए हैं उसको बीच में बनानी है। इस तरह से पूरा लाइन कंप्लीट कर लें। ये देखिए तीसरा लाइन दूसरा कलर का पूरा हो गया है। अब यहाँ पर हमने काट लिए हैं और अब हम सफ़ेद कलर का उन लगाएंगे। ये देखिए अब हम दूसरा कलर का उन लगा लिए हैं। उसके पहले सबसे पहले हम दो लाइन दो चैन लेंगे। फिर हम ये देखिए 12 क्रोशिया तक हम बनाए हैं। अब 12 क्रोशिया ठीक बीच में फिर उसी तरह से बनाएंगे। इस बार 14 क्रोशिया लेंगे, 6-6 क्रोशिया के बीच में इस तरह से लेनी है। लंबा लंबा क्रोशिया लें। इस तरह से आप पूरा लाइन बना सफेद 3 लाइन दे दें। इसी तरह से आप 3 लाइन बना ले, जिस तरह से ये 3 लाइन बना है सफेद भी 3 लाइन बना ले। ये देखिए आपका थान फ्रोज बनके तैयार हो गया है। हमने बोले थे कि 3 लाइन लेने के लिए आप 3 लाइन भी ले सकते हैं, हमने 2 लाइन ही लिए हैं। आपका कंप्लीट हो गया थान फ्रोज।